My name is Arvind Gupta. I am a toy maker, and I'm delighted to be with you on the National Science Day. Greetings for the National Science Day. I'm going to be showing you little toys, small toys, but they will come in a little while. पहली बात तो ये है कि शिक्षा के दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं. पहले तो बच्चे कैसे सीखते हैं. Now there are two very very important principles of education. पहला क्या है और बहुत सरल से है. First is from the concrete to the abstract. कि जो भी बच्चे सीखते हैं हमेशा पहले ठोस चीज़ों से सीखते हैं, उसके बाद में फॉर्मूलों के ऊपर, डेफिनेशन के ऊपर, अमूर्त चीज़ों पे जाते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप डेफिनेशन फॉर्मूले से शुरू करेंगे तो बच्चे जो हैं वो विज्ञान से दूर भागेंगे, है? पर अगर उनको आप ठोस चीज़ों से शुरू करेंगे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण से इसको समझाऊंगा कि बहुत से हर स्कूल में, हर बोर्ड में, आठवीं नवीं में बच्चे बिजली के मोटर के बारे में सीखते हैं, विद्युत मोटर के बारे में सीखते हैं, फैराडे के नियम क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, सब बच्चे रट लेते हैं और बहुत अच्छे एग्जाम में नंबर मिल जाते हैं. पर बच्चे कुछ भी नहीं सीखते उससे. पर अगर बच्चे अपने हाथ से कभी एक बार एक बनाएंगे मोटर, अब इसमें एक बैटरी है जो नई बैटरी है, क्योंकि फॉर एनी आउटपुट यू नीड इनपुट, नहीं तो काला जादू होता, यू कांट गेट आउटपुट. तो ये नई बैटरी है, और ये देखिए एक साइकिल ट्यूब का पुराना टुकड़ा, इट्स लाइक ए ब्रॉड रबर बैंड. ये दो सेफ्टी पिन है, ये एक चुंबक है, परमानेंट मैग्नेट. और जब किसी भी कुंडली के अंदर, किसी भी कॉइल के अंदर विद्युत प्रवाह होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है. अब इन दोनों का इसको 10 मिनट नहीं लगते बनाने. और जो बच्चे, सबसे महंगी चीज क्या है इसके अंदर, कौन बताएगा सबसे महंगी चीज क्या है? इससे बैटरी. अगर बैटरी हो तो आज के युग में 5 रुपए का खेल है. ये रईस लोग का खेल नहीं है. एवरी पुअर चाइल्ड कैन अफोर्ड टू मेक अ मोटर. अब आप कल्पना कीजिए अपने घर में हम कितनी जगह मोटर इस्तेमाल करते हैं. हर पंखे के अंदर मोटर है, कूलर में मोटर है, फ्रिज में मोटर है, वॉशिंग मशीन में मोटर है, मिक्सी में मोटर है. मोटर से ही पंप चलता है जो ऊपर टंकी में पानी पहुंचाता है. सो दिस इज एवरी चाइल्ड वुड लाइक टू अंडरस्टैंड. एक बार मोटर चल गया तो बच्चे कि ये आखिर कैसे चलता है. तो ये उदाहरण है फ्रॉम द कॉन्क्रीट टू द एब्स्ट्रैक्ट. इफ यू स्टार्ट विद जस्ट द थ्योरी ऑफ द मोटर, then not much is going to be gained. This is it. I'll give you one more example of this. Now this is a similar thing. और उसमें आपने जो देखे कि ये चुंबक लगे थे दो, ये काले वाले दो चुंबक हैं. These are ferrite magnets. They are very cheap, 1 rupee each. ये दो magnet, this is a generator, small generator. अब ये दो बिल्कुल stainless steel जैसे दो चुंबक दिखाई दे रहे हैं. These are called as neodymium magnets. अब ये इतने पावरफुल हैं कि इनको मैं छुड़ा नहीं सकता, अलग अलग नहीं कर सकता. दे सो पावरफुल. और उसी के कारण ये मॉडल काम करता है. अब ये 10 ml का पुराना सिरिंज है, हमको सुई से कुछ लेना देना, जस्ट अ प्लास्टिक बॉडी. उसके बैरल के अंदर ये चुंबक आपको देख रहा है, आगे पीछे हो रहे हैं चुंबक. एंड व्हाट वी हैव डन इज इंसुलेटेड कॉपर वायर जो मोटर वाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, 1000 turns होता है, 36 gauge, 1000 turns. एक उसका स्टार्ट होगा, एक उसका एंड होगा, दोनों को स्क्रैप करके क्या करा, एक LED लगा दिया. दैट्स इट. ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है और ये मैग्नेटिक सर्किट, बोथ अ सेपरेट. एंड इफ आई शेक द मैग्नेट्स, मैग्नेट्स आर वेरी पावरफुल, सो दिस वेरी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग एंड कटिंग लाइंस ऑफ फोर्सेस. एंड देन व्हाट हैपेंस, वी आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. There is no battery inside. This is how the biggest generator in the world works. The principles don't change. The scale may change, but the principles don't change. तो पहली बात तो यह है कि छोटे बच्चे हमेशा करके सीखते हैं. Learning by doing. This is nothing very new about this. People have been doing this for 50 years, 100 years. People have realized that don't start with theory, start with small experiments. And the other is that use simple materials.
एक जो होता है ना, जो एक बहुत बड़ी लेबॉरेटरी जिसमें बहुत सारी परख नलियाँ हैं, टेस्ट ट्यूब्स हैं, ब्यूरेट्स हैं, ऑल काइंड्स ऑफ फैंसी ग्लास वेयर एंड प्लास्टिक वेयर, बच्चे वहाँ जाके घबरा जाते हैं कि अगर परख नली टूट गई तो गुरुजी एक चांटा मारेंगे, मुर्गा बना देंगे, क्लास से बाहर खड़ा कर देंगे। तो हम बच्चों को विज्ञान के करीब नहीं ले जा रहे हो, विज्ञान से दूर भगा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उसका एक उदाहरण देता हूँ, और वो उदाहरण ये, अभी आप लोग पहचान के क्या चीज़ें, क्या चीज़ें, कोई भी पोता, सीमेंट का पोता, गेहूं का पोता, धान का पोता, पुराना फटा आपको चाहिए। इसमें जो स्ट्रैंड्स हैं, ये जो प्लास्टिक के जो रेशे हैं, 10-12 हमने लिए और यहाँ क्या कर दिया, एक गांठ लगा दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी देखें, अगर आप कल्पना कीजिए, गांव खेड़े में ये बहुत आसानी से पोते मिलते हैं, फर्टिलाइजर के बैग्स हैं, यूरिया के बैग्स हैं। एक बच्चा फटा पोता अगर कक्षा में ले आए, स्कूल शाला में ले आए, तो पूरा स्कूल इस प्रयोग को अपने समुदाय में लेके जा सकता है। ये एक बिल्कुल अच्छा उदाहरण है कि हम कैसे विज्ञान को लोगों के करीब ला सकते हैं। हर स्कूल के अंदर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, आपने नाम सुना है? मैं 3000 स्कूलों में गया हूँ आज तक, और मैंने आज तक कभी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप काम करते हुए नहीं देखा, और ये लोग अभी भी उसको ही पाठ्यक्रम में घुसा जाते हैं। ये दिखाई देता है जो पाठ्यक्रम लिखते हैं वो लोगों की जिंदगी से खुद कितने कटे हुए हैं। उनको जरूर लोगों से मिलना चाहिए, लोगों से सीखना चाहिए, तभी अच्छा बेहतर पाठ्यक्रम लिख पाए। कितनी बढ़िया चीज है, मेरे हाथ में विपरीत चार्ज है, आवेश है, ये मेरे हाथ की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। कोई भी कर सकता है इसको, आप घर पर जाकर के उसको जरूर आजमाइए। ये देखिए स्ट्रॉ में मैंने एक छोटी सी टोक काटी है, बिल्कुल एक मगरमच्छ का मुंह जैसा दिखाई देता है, खुलता है बंद होता है। इसमें फूंकूंगा तो बड़ी बुलंद आवाज आएगी, इट्स द बेस्ट वे टू डिस्टर्ब अ क्लास, राइट? एंड यू आर नॉट एबल टू सी हाउ द साउंड इज मेड बिकॉज दिस रीड वॉज हिडन माई माउथ, आई एम गोइंग टू कीप इट आउटसाइड इन सक इन एयर, एंड नाउ यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टिप एंड सी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें फूंकते जाएंगे, आवाज पैदा होगी, और इसको काटते जाएंगे, इसकी लंबाई छोटी और छोटी करते जाएंगे, और एक विलक्षण चीज होती है, आप सब चीज भूल जाएंगे, पर ये प्रयोग आपकी रूह के साथ में सदा के लिए चिपक जाएगा। क्या करें, दो छेद बना दिए, अब ये तो आवाज करेगा और दो छेद हैं तो क्या बन जाएगी, अब ये बांसुरी तो है, थोड़ी बेसुरी है, पर है बांसुरी। है ना बांसुरी। अब मैं आपको एक बहुत ही विज्ञान का क्या मतलब है, आप लोग विज्ञान दिवस के लिए आए हैं, विज्ञान का मतलब ये नहीं कि बहुत ही सुसज्जित प्रयोगशाला में जाना। हमारे आसपास विज्ञान बिखरा पड़ा हुआ है, आंखों के बाद में भी हम नहीं देखते, ठीक है ना। मैं आपको एक प्रयोग बताऊंगा जिसमें कोई भी हाईटेक नहीं है, ना कुछ टेलीविजन, क्या है ये, खाली माचिस की डिब्बी। और इस प्रयोग का बहुत महत्व है आज के लिए। ये 1962 में, आपने विक्रम साराभाई का नाम सुना है, हमारे देश के स्पेस के आर्किटेक्ट थे, He laid the foundation for space research in the country. उन्होंने अहमदाबाद के अंदर पहला विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर, अभी आप यहाँ पर आईसर में साइंस सेंटर देख रहे हैं, देश में जगह हर जिले के अंदर आज एक साइंस सेंटर है, पर देश का सबसे पहला साइंस सेंटर अहमदाबाद में विक्रम साराभाई, वेरी वेरी 62 के अंदर, बहुत साल हो गए इस बात को, 60 साल हो गए। और उसका उद्घाटन किसने करा था, सीवी रमन, जो नोबेल पुरस्कार से विजेता हैं, जिनका जो रमन इफेक्ट था उसके उपलक्ष्य में आज हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं। उन्होंने एक लेक्चर दिया था उस समय, सीवी रमन साहब ने, व्हाई इज द स्काई ब्लू, आकाश नीला क्यों है, यू कैन सी दिस ऑन माय वेबसाइट, व्हाई इज द स्काई ब्लू, ही गेव अ पॉपुलर साइंस लेक्चर। तो विक्रम साराभाई सेंटर ने एक काम करा, बच्चों को सबको एक खाली माचिस दी, वेरी इजी, डजंट कॉस्ट मच मनी,
सेम एक ही ब्रांड की है तो सबका नाप एक बराबर है। और बच्चों को एक चैलेंज दिया, यू हैव अ वीक्स टाइम, एक हफ्ते का समय आपके पास में, और आपको इस माचिस के अंदर अलग अलग चीज़ें भरनी हैं। हर चीज़ का एक नग, दो चावल के दाने नहीं डाल सकते, दो मूंग की दाल के दाने नहीं, एक। और आप जो हफ्ते भर बाद बच्चे अपनी अपनी माचिस लेकर के वापस आएंगे, और जो अपनी माचिस में सबसे ज़्यादा चीज़ें भर पाएगा, द मोस्ट स्पेसिमेंस इन वन इन मैच बॉक्स विल गेट अ प्राइज। चिल्ड्रन टुक द चैलेंज बिकॉज इट्स वेरी मच डूएबल। एक बच्चा गया, उसने एक रबर रखी, एक शार्पनर रखा, अरे यार माचिस तो मेरी भर गई। फिर किचन में माँ पोहा बना रही थी, एक ने एक मोरी ली, एक जीरा लिया, एक चावल की कनी ली, एक मूंग का दाना, एक सिर का बाल, एक स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड। पूरे हफ्ते बच्चे ढूंढते रहे हमारी दुनिया के अंदर सूक्ष्म चीज क्या है, सूक्ष्म, व्हाट इज द माइक्रो इन आवर वर्ल्ड अराउंड अस। विज्ञान हार्डवेयर नहीं होता, सब जगह हार्डवेयर है, और लेबोरेटरीज हैव बिकम ग्रेवयार्ड्स ऑफ हाईटेक जंक बिकॉज वी जस्ट बाय देम। हम लोग खरीद, हमने ना तो खुद बनाया ना खुद डिजाइन करा, हम उसको रिपेयर भी करना नहीं जानते है? पर जो चीज हम अपने हाथ से बनाते हैं, वी हैव मच डीपर इनसाइट्स इनटू इट। सब बच्चे साहब एक हफ्ते बाद इकट्ठे हुए, सबसे कहा गया कि आप सब लोग अपनी माचिस को एक हाथ से उठाएं और हिलाएं। कुछ की माचिसों में आवाज आई, वो पास है कि फेल हुए? फेल क्यों हुए जी? इसके मतलब उसमें कोई रिक्त स्थान था, ठीक है ना, क्योंकि अगर माचिस पूरी ठसाठस भरी होगी तो आवाज नहीं आएगी, तो वो लोग आउट हो गए। आप यकीन कीजिए, एक बच्चा एक माचिस में 150 चीजें भर पाया, 150 थिंग्स इन अ मैच बॉक्स। दिस इज नॉट अ ग्रेट साइंस एक्सपेरिमेंट, साइंस इज एन एबिलिटी टू बी बारीकी से हर चीज की जांच परख करना, दैट इज द एसेंस ऑफ साइंस। साइंस का मतलब कि हमने एक सफेद कोट पहन लिया, आजकल सब बिकम अ यंग आइंस्टाइन, सफेद कोट पहन के हम क्या साइंस का पढ़ने लगते हैं? हम काला पहने कि हरा पहने, हमारे भेजे में क्या जाता है, उसका क्या लेना देना इससे, राइट? सो साइंस इज एन एबिलिटी कि आप कितनी बारीकी से, हाउ क्रिटिकली यू एग्जामिन फिनोमिनन, अपने आस पास की चीजों को आप कितनी क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, और क्या आपको एक नया पैटर्न ढूंढ पाते हैं, ये उसका मर्म है साइंस का। और मैं उसके लिए आपको एक कहानी सुनाऊंगा और कुछ दिखाऊंगा। एक बहुत बड़े महान गणितज्ञ थे, जो बड़े लोगों ने, उनका नाम था फ्रेडरिश गाउस, गाउस जर्मन मैथमेटिशियन, 400 साल पहले। आपने कभी गॉशियन कर्व का नाम सुना है? इसे बेल शेप कर्व होता है, हैं? जो नवीं दसवीं के बच्चों ने सबने गॉशियन, इसे बेल शेप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस कम्स आफ्टर गाउस, इट्स कॉल्ड एज गॉशियन। जर्मनी की बात है 400 साल पहले, तब बच्चे के पास कागज नहीं होता था, स्लेट पे लिखते थे, कागज बहुत बाद में आया। तो गाउस उस समय दूसरी कक्षा के अंदर थे, ये दूसरी कक्षा के बच्चे की सच्ची कहानी सुना रहा हूँ आपको। तो टीचर ने कहा कि बेटा 100 तक की गिनती लिखो, अब ये कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है दूसरी के बच्चों के लिए। फटाफट बच्चे 100 तक स्लेट पर लिख गए। अब टीचर ने उनको एक और चुनौती दी कि अब 100 को जोड़ो, 100 संख्याओं सबको जोड़ो। अब बच्चे लग गए साहब, टीचर का आदेश 1 और 2 3 3 और 3, 6 6 और 4 10 10 और 5 15 15 6 21 7 28। अब जैसे ही अंक डबल डिजिट होते गए, स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। सबके सब बच्चे इसमें लगे रहे। गाउस विचित्र थे, तभी विलक्षण थे, जो बच्चे खुराफाती होते हैं उनसे ही कुछ उम्मीद होती है, कोई भी टीचर मुझे बताएगा ये। जिनके 100 टक के आते हैं वो ज्यादा कुछ नहीं करते जिंदगी में अपने। जो बच्चे खुराफाती होते हैं, चंचल होते हैं, उनसे आप कुछ मौलिक काम की उम्मीद कर सकते हैं। कि वो कोई एक तिरछी निगाह से चीजों को देखेंगे, अलग निगाह से चीजों को देखेंगे, वो लीक पे नहीं चलेंगे, वो पूंछ नहीं हिलाएंगे, ठीक है ना। गाउस देखते रहे, पहला नंबर क्या है बताइए आप, 1, दूसरा, तीसरा, 4, अंतिम अंक उससे पहले वाला 99 98 97। गॉस ने देखा 100 जोड़िए, 101, 2 और 99 101, 3 और 98, 4 और 97
अरे गजब, 100 नंबर है तो कितनी जोड़ी बनेंगी? 50 जोड़ी बनेगी। 50 × 101 5050। उसने स्लेट पे लिख दिया, टीचर ने हाथ जोड़ दिया बेटा मुझे तुझे सिखाने के लिए कुछ नहीं। अब इस कहानी को सुनाने का सिर्फ एक उद्देश्य था, क्या? कि विज्ञान और गणित का मर्म है नमूने देखना, पैटर्न्स देखना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारा मेंदू, इसको कचरे से मत भरो। चीजें याद करके एक गूगल पे एवरीथिंग इज एक्सेसिबल। ट्राई एंड सी डिफरेंट पैटर्न्स एंड पीपल हु सी डिफरेंट पैटर्न्स डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। एक उसका एक उदाहरण आपको यहां देता हूं, मैं तभी आपको कहानी सुनाई। ये कैलेंडर है, 15 का कैलेंडर है। अब हम देखेंगे कोई भी हम दो अंक लेंगे। अब ये 4 2×2 का स्क्वायर हो गया, कितने अंक हैं? 4 अंक हैं इसमें। क्रॉस अंक 3 × 11 = 14, 4 × 10 = 12 और 20 = 32, 1913 कुछ गड़बड़ तो नहीं है इस कैलेंडर में, दूसरा कैलेंडर पलट लेते हैं, 14 और 22 = 36, 15 और 21 = 36, 6 और 12 = 18। कोई भी क्रॉस नंबर्स ले, कभी आपने देखा ये? आपकी एनसीईआरटी किताब में है, एससीईआरटी किताब में है कि कैलेंडर जो हर घर में होता है, हर स्कूल में होता है, उसमें क्या नमूने हैं? 100 पन्ने की किताब है, नंबर फन विद द कैलेंडर। ये मेरे गुरु ने लिखी थी, पीके श्रीनिवासन। ये हिंदी में भी है, मराठी में भी है, मेरी वेबसाइट पर आप जरूर पढ़िएगा। मैंने उनको अपनी एक किताब समर्पित की थी, मैथ्स मिशनरी, पीके श्रीनिवासन। अब थोड़ा हम और एडवेंचरस होते हैं। अब हम क्या देखते हैं, 3×3 की मैट्रिक्स लेते हैं, इसमें कितने अंक हैं? 9 अंक। 3 × 3 = 3, 3 + 3 = 9 अंक। 3 × 19 = 22। ये हम दूसरा ले लेते हैं, ज्यादा तो आसान होगा, हम ये ले लेते हैं, ठीक है ना। 2 × 18 = 20, 10 का दुप्पट। 4 × 16 = 10, 3 × 17 = 20, 10 का, इनका औसत कितना हो गया? 10। 9 × 11 = 20, उनका औसत कितना हो गया? इन सब 9 अंकों का औसत कितना है? इनका योग कितना होगा? मुझे पहाड़े नहीं आते 10 × 9, ठीक है, 10 का पहाड़ा आता है आपको 90, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और एडवेंचरस, अब हम 4×7 कितने अंक हो गए? 28। हफ्ते में 7 दिन। या पहले हम एक और देखते, आप अगर इसको देखेंगे, ये कॉलम है, खड़ा हुआ कॉलम है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैं इसको देखूंगा और मैं कहूंगा इन सब का योग 42 है, क्या मैंने इनको जोड़ा? अब ये देखिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब एक अंक गणतीय श्रेणी है जिसमें 2 अंकों के बीच का अंतर कितना है? 1। अब ये देखिए, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 3 आगे हैं तो 3 पीछे, 3 और 9 = 12, 6 का दुप्पट, 4 और 8 = 12, 6 का दुप्पट, 5 और 7 = 12, 6 का दुप्पट। The average of all these 7 numbers is 6, the middle number. How many days in a week? 7. 6 × 7 = 42. Who will tell me what is the sum of all this? I am very bad at tables. 13 × 7. Is that right? What is this? This is very easy. I know the table of 2. Right? 20 × 7 = 140. Right? लुक एट दिस फॉर इंस्टेंस। अब अगर एक ट्यूज एक थर्सडे 2 को आया, दूसरा 9 तारीख को 7 दिन बाद आएगा, तीसरा 7 दिन बाद 16 को, यह भी एक अंक गणितीय श्रेणी है, राइट? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ऑफ 7, बिकॉज देयर 7 डेज इन अ वीक, 2 + 30 = 32, डबल ऑफ 16, 9 × 23 = 32, डबल ऑफ 16, 16 × 5 इज द सम ऑफ दिस series. Is that right? Now we'll become slightly more last thing in this. 4×7, 28 numbers. Is that right? 3 + 30 = 33, 9 + 24 = 4 + 29 = 33, 8 + 25 = 33, 5 + 28 = 33, 7 + 26 = 33, 6 + 27 = 33, 13 + 21 = 33. 33 की कितनी जोड़ी बनेंगी? 14 जोड़ी। 28 अंक हैं तो 14 जोड़ी बनेंगी। What is the sum of all this? 33 × 14. Amazing stuff. And that's what we must aim at.
not to mug up things and spit them out exams and get sent them 100% marks. They are of no use. Understanding, deep understanding of the phenomenon is what gives you joy. और विज्ञान की सबसे अच्छी परिभाषा आज से 2500 पहले भगवान बुद्ध ने दी थी. He was the wisest person to walk on earth, Mother Earth. उन्होंने कहा था किसी चीज पर इसलिए यकीन मत करो क्योंकि तुम्हारे शास्त्रों में लिखी है, इसलिए वो सच नहीं हो जाती है. बहुत क्रांतिकारी विचारधारा थी बुद्ध की. बुद्ध ने चैलेंज करा उस समय के जो थे, क्योंकि धर्मों में लिखा हुआ है इसलिए वो सत्य नहीं हो जाता. तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बताया इसलिए सच नहीं होता, तुम्हारी किताबों में लिखा है इसलिए सच नहीं होता. उस पर यकीन मत करो, हर बात को वास्तविकता में जांचो, परखो, टेस्ट इट अगेंस्ट रियलिटी. इफ यू फाइंड एविडेंस, इफ यू फाइंड इट टू बी ट्रू, इफ यू फाइंड इट टू बी इन द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड, उसको गले लगाओ, एम्ब्रेस इट, अदरवाइज चैलेंज इट. दिस इज अ ग्रेट डेफिनेशन. 2500 साल से वो ये नहीं कहते, लीक पे चलने की बात नहीं कहते, हर चीज को क्रिटिकली देखो. और ये मर्म है विज्ञान का और साइंस का. मैं आपको कई सारे और खिलौने दिखाऊंगा. मैंने आपको अभी देखिए, बहुत ही सुंदर खिलौना है. ये लोहे करेंगे जी, कोई भी तार का है, बस एक वेल्डिंग का टाका है. ये साइकिल के नट है, साइकिल के जो चक्के में लगते हैं ना, बस चार, वेरी इजी टू मेक. अब इसको मैं घुमाऊंगा एक हाथ से. ये क्यों चलता है? वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन. वेरी अमेजिंग फिनोमेनन. व्हाट अ नाइस टॉय. कोई प्लास्टिक नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ टूटने की बात नहीं है इसके अंदर. कोई गजब का खिलौना. Very nice. I'm going to show you one more. And where is my? Now this is this is not part of the curriculum. What I'm saying is probably not taught to children in the curriculum, because your curriculum banate wo log hero log hote. 10-5 sadi gali kitabe dekh karke 11th sadi gali kitabe likhte hain. ठीक है ना? सो डोंट टेक देम वेरी सीरियसली, राइट? अच्छे लोग वो होते हैं जो अपने हाथ से काम करते हैं, श्रम करते हैं, हा? और कहते हैं कि इसको चुनौती दो. अब ये 100 साल पुराना खिलौना, मैंने नहीं बनाया इसको. इट्स बीन देयर फॉर 100 ईयर्स. इट्स द डार्लिंग ऑफ फिजिसिस्ट. कोई भी फिजिक्स टीचर हो उसका सबसे प्रिय खिलौना ये पेंसिल, जिसमें रबर का बूच हो, कभी कोई गलती करें तो मिटा सकते हैं. हर बच्चे के पास हो. इसमें 5-6 खांचे, कोई पेन नाइफ लेकर के 5-6 वी नॉचेस, दे शुड बी डीप. एक कार्ड शीट ली, पंखा बनाया और रिक्टेंगल को कट्टम काट मैंने बनाया जिससे सेंटर मिल जाए. सेंटर में छेद करा, एक टाँचली लगा दी. अब दिस होल इज बिग, कैन यू सी इट्स लूज. यहाँ पर रबर का स्टॉपर लगा दिया, नहीं तो पंखा निकल के ना भाग जाए. मेरे हाथ में एक मैजिक स्टिक है, पुरानी जूनी बॉल पेन की रीफिल है. अभी देखिए मैं इसको रख लूँगा, कुछ अद्भुत होगा. सब बच्चों से मुझे, मैं 3000 स्कूलों में गया हूं, स्कूल सा बोरिंग. आप लोग हंस रहे हैं. स्कूल सा बोरिंग फ्रॉम द वर्ल्ड. तो अगर आपको स्कूल में बच्चों को, खासतौर से बच्चों को, इफ यू वॉन्ट टू सर्वाइव अ स्कूल, यू मस्ट मेक दिस टॉय फॉर योर अपने खुद के, खुद को मुक्त करने के लिए, लिबरेट करने के लिए मेक दिस टॉय. व्हाई? Because when the teacher is dictating notes, you should be writing. And when the teacher turns her back towards the blackboard, every child should be doing this. Because Bhagwan ne bachchon ko isiliye duniya mein bheja tha ki wo khurafat kare, kuch khel kare, khele. Jab bachche haste na, to Raj Singhasan hilta hai. Bachche bade khushali hote hain. वेरी पावरफुल. तभी हर स्कूल के अंदर जितना बड़ा स्कूल होगा, कितना दर्जेदार स्कूल है साहब, सब बच्चे जुबान पे ताला लगाते हैं उसको, क्योंकि बच्चों से डरते हैं. समझे ना? अभी देखिए सर हिला रहे हैं अपना. ठीक है ना? तो बढ़िया. ये
ये तभी एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी के किसी उस्ताद को इसका जवाब नहीं मालूम। वेरी 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 अमेजिंग टॉय, 6 मेजर रिसर्च पेपर्स रिटन ऑन दिस टॉय। आपको $6 बिलियन का हैड्रॉन कोलाइडर की जरूरत नहीं है, हर बच्चा उसी वैज्ञानिक की भेष में है, अपनी पेंसिल से ये प्रयोग कर रहा है। और लोगों ने तमाम प्रयोग करे, उन्होंने क्या करा साहब, एक इसमें एक और पेंसिल लगा दिया, ऐसे करके एक पेंसिल और लगा दी राइट एंगल पे, टी बन गया, हाँ टी बन गया। दो पंखे यहाँ लगाए, दो पंखे यहाँ लगाए, आप घिस करके दो को क्लॉकवाइज, दो को एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते। पीपल इन द लास्ट 100 ईयर्स हैव फ्रीक्ड आउट ऑन द पेंसिल। इट्स मेजर, इट्स नॉन ट्रिवियल फिजिक्स, वेरी डीप फिजिक्स, बट एवरी चाइल्ड कैन एंजॉय इट। दूसरा एक और है, ये एक छोटी सी किताब है जिसका नाम है सुंदर सलोने भारतीय खिलौने। ये मेरी वेबसाइट पे है, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, इस किताब को मैंने अनुवाद करा हिंदी के अंदर। अंग्रेजी में नाम था द जॉय ऑफ बेकिंग इंडियन टॉयज, सुदर्शन खन्ना ने लिखा है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में थे, 40 साल उन्होंने पढ़ा है। उसमें से खिलौना है, खिलौने में क्या है, खराटा। गरीब से गरीब आदमी होगा, खराटा झाड़ू तो होगी, कोई साहूकार आए तो उसको झाड़ू मारने के लिए तो होगी, होगी ना, एक लंबी और एक छोटी, इनको कस के डोरे से बांध देते हैं बस। यहाँ पर ये शायद केरल से आया होगा, तो केरल में जो नारियल का झाड़ होता है, छोटे छोटे नारियल, बच्चे नारियल गिरते रहते हैं, तो एक जहाँ मैं रहता हूँ नारियल के पेड़ नहीं, तो उन्हें रबर लगा दी, थोड़ा बाहर चाहिए बस। अब इसको अपनी तर्जनी उंगली के ऊपर, एंड दिस इज द बिग साइड, दिस इज स्मॉल साइड, आई एम गोइंग टू स्पिन इट वर्ड्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, दीज आर वेरी बिग वर्ड्स फॉर लिटिल चिल्ड्रन, नॉट जस्ट फॉर चिल्ड्रन, फॉर टीचर्स। एक कान से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सुनते, दूसरे कान से कचरा पेटी में जाता है, क्योंकि जो फ्रॉड हम किताबों में पढ़ते हैं वही हम दूसरी पीढ़ी में प्रोपेगेट करते हैं, वही फ्रॉड। हम नहीं कहते ये फ्रॉड है यार, बताओ ये क्या चीज है, वॉट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पर बच्चे जब ऐसे छोटे छोटे खिलौनों से खेलते हैं तो उनको एक छोटी सी झलकी मिलती है, वॉट इज दिस, वॉट इज दिस फोर्स आफ्टर ऑल। इसका एक और उदाहरण आपको दूंगा, वो उदाहरण ये है, ये देखिए, ये एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ है, इसके मध्य में हमने क्या करा, एक सींक डाल दी, झाड़ू की सींक, खरा था, स्क्यूअर भी लगा सकते हैं, दो उंगल छोड़ के हाफ कट हियर हाफ कट हियर, सो बोथ द आर्म्स कैन मूव स्विवल। इनको बंद करा, ट्राइंगल बना दिया, और टेप को बेल्ट जैसे रैप कर दिया, वेरी सिंपल, यस वेरी सिंपल। उसके बाद में अभी देखें, अब ये मेरे हाथ में ये थोड़ा सा एक, अब इसको मैं इसके अंदर रख करके घुमाऊंगा, इट्स एन अमेजिंग स्प्रिंकलर, राइट, आई टॉक अबाउट, दिस इज अ सेंट्रीफ्यूज, इफ यू स्पिन समथिंग टू गो फार ऑफ, जब मैं स्पिन करता हूँ पानी इसमें चढ़ता है और स्ट्रॉ से छिड़काव होती है, इट्स अ वेरी गुड वाटर प्लांट। आप ये जरूर जाके हरिम बनाइए और पेड़ों को पौधों को पानी दीजिए। मैं अशोक, जब मेरा काम खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, वन 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 मिनट, लास्ट टॉय, आई विल शो यू, एंड दिस इज द लास्ट टॉय, एंड ओ या आई थिंक दिस इज द वन, आई विल एंड विद दिस। नाउ दिस इज ए फोर साइज पेपर, एंड एक हाफ दिस ए फोर साइज पेपर, हाफ दिस पेपर, व्हाट डू यू मेक, हाफ पेपर। इस कागज से हम दो बना सकते हैं, ये क्या है, दिस इज द स्कल, दिस इज द रिब केज, दिस इज द पेल्विस, टिबिया फिबिया, एक इंसान के शरीर के अंदर 200 लगभग हड्डी होती हैं, तीसरी चौथी के बच्चे एक कैंची डिंक और आधा कागज, ये हड्डियां उनके जहन के अंदर चिपक जाएंगे जिंदगी के लिए। ये तो साइंस का प्रकल्प हो गया, उससे बड़ा एक बहुत प्रकल्प है, वो प्रकल्प क्या है, ये एक नर का कंकाल है या मादा का कंकाल है, ये एक हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, ये बताइए। हमारे जहन के अंदर इतना जहर घोला गया है, हम भूल जाते हैं कि जीनोम प्रोजेक्ट ने क्या दिखाया, 99.9999% ऑफ ऑल आर जीन्स आर द सेम, देयर इज अ यूनिवर्सलिटी अमंगस्ट ह्यूमन, चाहे अफ्रीकी हो चाहे कश्मीरी हो चाहे दलित हो चाहे ब्राह्मण हो, वी ऑल शेयर द सेम जीन्स। थैंक यू विद दिस आई, थैंक यू वेरी मच।
बोलिए बोलिए जी, आप लोग सवाल पूछिए, किसी को भी कोई सवाल पूछना, आई बी वेरी हैप्पी टू आंसर। हाँ बोल बोलिए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। यस, मेरा बस एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है जी। आपने बताया कि साइंस इतनी नॉर्मल है हमारे एनवायरनमेंट में, तो वेयर वी आर लैकिंग, राइट? सब लोग इस एक्सपेरिमेंट को शायद देख रहे होंगे, बट नो वन कैन फॉलो दैट एक्सपेरिमेंट। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना भाग रहा है कि हम लोग हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि अगर बड़ा स्कूल है तो कुछ बड़ा इवेंट करें, कोई भी ये नहीं चाह रहा कि हम बहुत सिंपल सी चीज़ों को परफॉर्म करके दिखाएं। तो कहाँ पे हम ब्रेक कर रहे हैं? देखिए मैं ये कहना चाहती, उसका उत्तर ये है कि बिफोर यू लर्न हाउ टू रन यू हैव टू लर्न हाउ टू वॉक। अगर आपके पास ताना बाना नहीं होगा तो आप कढ़ाई कैसे करेंगे? पहले तो ताना बाना बनाइए। और जो मैं आज को आपको दिखा रहा था वो ताना बाना था। गरीब से गरीब बच्चे को, वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, प्रजातांत्रिक देश है, द बेनिफिट्स ऑफ साइंस मस्ट रीच द पुअरेस्ट चाइल्ड। कोई म्यूनिसिपल शाला का हमने कसम खाई थी 20 साल पहले कि हम जो कुछ भी करेंगे वो सबसे गरीब बच्चे को फ्री में उपलब्ध होगा। 100 एक्सपेरिमेंट्स विद द ओल्ड प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक बॉटल से बिकम अ मेस। सरकार की भी नाक में दम करके रखी प्लास्टिक ने, सही बात है ना? 100 एक्सपेरिमेंट्स टू डू विद दिस, दिस इज द चैलेंज। सो यू नो स्कूल्स ऑर्गेनाइज ह्यूज इवेंट्स। मुझे, मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। एक इन्वायरमेंटल, एक स्कूल ने बुलाया इन्वायरमेंट डे को इनॉग्रेट करने के लिए, और मैं उस दिन रोया जिंदगी में, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े झाड़ बनाए थे थर्मोकोल के सब बच्चों ने, और पूरा स्टेज भरा हुआ था, मैं तो जार जार रोया। इज दिस द इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटीज? और पूछे जी, कोई पूछना चाहे तो और पूछे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, आपने जो पेंसिल का और जी उसके पीछे जो कैप है वो खिलौना दिखाया तो वो घूम रहा था, तो उसके पीछे का साइंस क्या है? बहुत, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोम। 6 मेजर रिसर्च पेपर्स इन दिस। यू गो टू अ वेबसाइट स्पिनिंग पेंसिल एंड यू विल फाइंड अ लिंक टू दोस पेपर्स। आई माइसेल्फ डोंट अंडरस्टैंड बट आई लव डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। और पूछे। थैंक यू सर। एक डीसी मोटर में मिनिमम कितने पोल्स होने चाहिए जिससे वो स्पिन करे? एक कितने? यू नीड अबाउट 10 टर्न्स ऑफ द कॉइल। 10 इलेक्ट्रोमैग्नेट कितने चाहिए मिनिमम एक डीसी मोटर के अंदर? नहीं, डीसी मोटर जो मैंने आपको अभी दिखाया ना, हाँ? उसके अंदर जो परमानेंट मैग्नेट है दे वेरी वीक फेराइट मैग्नेट्स, और उसमें 1.5 वोल्ट चाहिए, बैटरी का वोल्टेज 1.5 वोल्ट था, एंड 10 or 12 टर्न्स ऑफ द कॉइल, दैट्स इट, दैट्स इनफ to make it run. We have made 1 lakh motors. 1 lakh motor हमने बच्चों ने बनाए, और बच्चों की आँख में आप चमक देखिए, उनके चेहरे पर खुशी देखिए अगर कभी किसी बच्चे ने डीसी मोटर बनाया। They'll be hooked to science for life. चलिए हाँ पूछे पूछे। देखिए पेंसिल जिसमें एक तरफ रबर लगी हो, हाँ, उसमें खांचे काट लेते हैं, 5-6 खांचे वी नॉचेस, एंड यू पुट अ फैन, और फैन थोड़ा लूज, बीच का भोक ना कार्डबोर्ड में थोड़ा बड़ा होना चाहिए कि इट शुड बी लूज, इट शुड नॉट बी टाइट फिट, एंड देन रब इट हार्ड एंड यू विल फिगर इट आउट। पूछे जी। हेलो जी, जी देखिए नए कॉन्सेप्ट के लिए आप ये दीज हैव बीन देयर फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, मेक अ बेसिस। एक उसकी एक तो पूछे, एक बच्चों को क्यों खेलने दीजिए, तो उससे ये शिक्षा की जमीन बहुत बंजर जमीन है, पथरीली जमीन है, इट्स अ स्टोनी टेरेन। हमारा काम क्या है? रोज एक मुट्ठी मिट्टी डाल के उसको उपजाऊ बनाना, मेक इट फर्टाइल। हर रोज बच्चों को छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, टूट जाए तो कोई बात नहीं, है? बच्चों का डर निकलना चाहिए। बड़े बड़े उपकरण से बच्चे डरते हैं, है? टीचर डांटेगी, फाइन लग जाएगा, छोटे छोटे बच्चों का डर निकल जाता है। पहली बात तो निडर हो। गीता का पहला श्लोक है कि निडर हो, डरो मत, किसी के सामने पूछ मत हिलाओ, जो तुम्हारे उद्देश्य हैं उस पर खड़े रहो अंत तक। बहुत धन्यवाद।